हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.6 कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस दिए इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है बस। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटीज दिख रही है कुछ, बस इन्हीं का यूज करना है, आपको यहाँ पे वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। लेकिन कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो तो क्वेश्चन में ही दिख रहा है ना। तीनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही एक ही आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएंगे। आपका सबसे पहला काम क्या है कि ये जो अंदर नंबर दिख रहा है आपको 64 रेस्ट टू द पावर 1/2 है हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पे जो 64 दिख रहा है उसको आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, और फैक्टराइज करना कंपलसरी नहीं है, कितने की पावर है वही निकालना है। अगर आपसे ओरल बनता है तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, बट मैं फैक्टराइज करके दिखा रही हूँ। 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, मैंने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया। आप देखो यहाँ पे 2 पर कितने की पावर आ जाएगी, 6 की पावर। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेस्ट टू द पावर 6 रेस्ट टू द पावर 1/2, पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो आप यहाँ पे देखो जो ब्रैकेट वाली आइडेंटिटी दिख रही है 7th नंबर की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस ए रेस्ट टू द पावर एम रेस्ट टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस्ट टू द पावर एम एन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2 रेस्ट टू द पावर 6 इंटू 1/2। मतलब ये दोनों जो पावर्स होती है वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, क्या हम इसी में कुछ कटपिट कर सक रहे हैं, देखो 2 से काट सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 क्यूब 3 बचा है, 3 1 ज़ा 3। और अगर हम देखें तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो बस इतना ही क्वेश्चन है हमारा, सॉल्यूशन कर लिया हमने। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको 32 को फैक्टराइज करना है। और मुझे तो यहाँ पे फैक्टराइज करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 32 को फैक्टराइज करोगे तो 2 कितनी टाइम्स आ जाएगा, 5 टाइम आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 रेस्ट टू द पावर 5, 32 को लिख सकते हैं, रेस्ट टू द पावर 1/5। अगेन सेम आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रेस्ट टू द पावर 5 इंटू 1/5, और 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 2 रेस्ट टू द पावर 1, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 125 को आप फैक्टराइज करके देख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। हमको याद है कि 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 5 क्यूब रेस्ट टू द पावर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 5 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 1/3। अगेन सेम आइडेंटिटी हमने लगा दी यहाँ पे। ठीक है, 3 से 3 को कैंसिल कर दो तो हमारे पास क्या बचा, 5 रेस्ट टू द पावर 1, और जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो हमारे पास तीनों क्वेश्चंस के आंसर आ चुके हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आपको बस ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और सॉल्व कर लेना है। अब जो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।